दोस्तों, महाराष्ट्र में एक और चुनावी हलचल जो है बढ़ाने वाली खबर आई है, और खबर है कि शरद पवार की एनसीपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है और मांग की है, याचिका जो दायर की है उसमें मांग की है कि विधानसभा चुनाव से पहले जो एनसीपी जो दो हिस्सों में बटी हुई है दोनों को नया चुनाव चिन्ह दिया जाए। अब इससे कैसे चुनावी अटकलें बढ़ेंगी, कैसे सियासी हलचल बढ़ेंगी, क्योंकि पहले ही नेता जो है वो अजीत पवार को छोड़ के शरद पवार की पार्टी में जा रहे हैं और अब शरद पवार चुनाव चिन्ह को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गए हैं। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि शरद पवार की एनसीपी और अजीत पवार की एनसीपी, दोनों ही एनसीपी अलग हो गई। पहले एनसीपी एक हुआ करती थी और अलग होने के बाद चुनाव आयोग द्वारा और तमाम जो प्रयत्न किए गए थे मायावती की तरफ से, उसके बाद असली जो एनसीपी है वो अजीत पवार की पार्टी को कहा गया और चुनाव चिन्ह जो घड़ी है वो भी अजीत पवार की पार्टी को मिल गया। जिसके बाद हमने देखा कि शरद पवार की एनसीपी जो है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने एतराज़ जताया इस पर और कई सारी बयानबाजी भी हुई और इस पर केस भी जो है वो 6 फरवरी को जो है वो दायर किया गया था। और इसके बाद हमने देखा कि बहुत सारी बातें हुई चुनाव चिन्ह को लेकर के, और लोकसभा चुनाव से पहले भी हमने देखा कि शरद पवार की पार्टी की तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश की गई चुनाव चिन्ह जो है उसको लेकर के, कि कैसे भी करके इस पर कोई फैसला आए। अब जो शरद पवार गुट है, जो शरद पवार गुट की जो एनसीपी है उसके जो अधिवक्ता हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने एक याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में और कहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले दोनों ही जो एनसीपी हैं उनको नया चुनाव चिन्ह दिया जाए, जब तक कि घड़ी पर कोई और नतीजा नहीं निकलता तब तक ये दोनों ही पार्टियों को नया चुनाव चिन्ह दे दिया जाए। अब चुनाव चिन्ह को लेकर एनसीपी इतना जोर क्यों लगा रही है, आप देखिए कि शरद पवार की एनसीपी जब एक हुआ करती थी तब यही घड़ी, क्योंकि महाराष्ट्र में जितनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने बड़ी संख्या में लोग हैं, सभी को यही पता है कि शरद पवार की एनसीपी का चुनाव चिन्ह घड़ी है। और लोकसभा चुनाव में हमने ये देखा कि किस तरीके से सतारा में और कई और जगहों पर चुनाव चिन्ह को लेकर के लोगों में कन्फ्यूजन की स्थिति देखी गई, और कई सारे ऐसे भी जो शरद पवार के एनसीपी के कार्यकर्ता, उन्होंने आरोप लगाया कि ये घड़ी को जो है कई लोगों ने शरद पवार की पार्टी को वोट देना चाहा लेकिन वो घड़ी के चक्कर में अजीत पवार के एनसीपी को चले गए। और कुछ मिलते जुलते जो बाद में चुनाव चिन्ह दिया गया था शरद पवार के पार्टी को, उसी से मिलता जुलता कुछ निर्दलीय चुनाव चिन्ह लेकर के उन्हीं के कैंडिडेट के सामने खड़े हो गए थे। और ये भी जो है अजीत पवार शरद पवार के गुट की तरफ से आरोप लगाया गया कि मिलता जुलता चुनाव चिन्ह इसीलिए बांटा गया क्योंकि जो वोट है जो शरद पवार की पार्टी को मिलना है वो बढ़ जाए, कन्फ्यूजन की स्थिति में वो इधर उधर हो जाए। और जिसको लेकर के हमने देखा कि फिर सुप्रिया सूर्य और कई सारे नेताओं ने चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई थी। ये चुनाव चिन्ह का जो मामला है ये बहुत ही ज्यादा पेचीदा इस समय बना हुआ है। आप देखिए कि शरद पवार और अजीत पवार ये दोनों ही जो पार्टियां हैं एनसीपी, इनका एक गढ़ है महाराष्ट्र में, और इसी गढ़ में जो है वो कोई और पार्टी नहीं घुस सकती है, क्योंकि सभी को पता है कि जो शरद पवार की एनसीपी है जहां पर मजबूत है वहां से बीजेपी या कोई और पार्टी खड़ी होती है तो उसकी हार निश्चित है, क्योंकि वो उनके गढ़ माने जाते हैं। और ऐसे ही गढ़ में जो है लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी और महायुति की तरफ से जो अजीत पवार की एनसीपी है उनके नेताओं को खड़ा किया गया था शरद पवार की एनसीपी के कैंडिडेट के सामने, और कई सारी ऐसी चीजें हुई हमने देखा जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे कि चुनाव चिन्ह को लेकर के कई स्थिति ऐसी बनी जहां पर कंफ्यूजन की स्थिति देखी गई। अब विधानसभा चुनाव में वही रिपीट ना हो इसको लेकर शरद पवार की एनसीपी बहुत ही ज्यादा एहतियात बरत रही है, और उसी को लेकर के ये जो मैंने ताजा खबर आपको बताई है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है शरद पवार के गुट ने, और अभिषेक मनु सिंघवी ने ये याचिका दायर करके कही है कि कम से कम चुनाव तक, जब तक घड़ी पर कोई फैसला नहीं आता तब तक दोनों ही पार्टियों को कोई नया चुनाव चिन्ह दे दिया जाए। हालांकि अभी तक अजीत पवार की एनसीपी की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अगर ऐसा होता है या कुछ ऐसा फैसला आता है जो शरद पवार के पक्ष में चला जाए तो ये बहुत बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक या कहें एक बहुत बड़ा एक ऐसा फैसला होगा जिससे अजीत पवार की पार्टी बिल्कुल भी खुश नहीं होगी अगर नया चुनाव चिन्ह जो है वो दे दिया जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। हालांकि ये क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, ये तो आगे अदालत तय करेगी, लेकिन इतना जरूर है कि शरद पवार जो है जिस तरीके से उनकी रणनीति आप देखिए कि अभी कुछ दिनों पहले आपको पता होगा कि ओबीसी समाज के जो एक तरीके से अध्यक्ष हैं ओबीसी सेल के ईश्वर जो नेता हैं अजीत पवार में थे ईश्वर जी, वो कैसे अजीत पवार की पार्टी को छोड़ करके शरद पवार के साथ चले गए।
अभी ये लेटेस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, उससे पहले भी हमने देखा कि कई सारे 20 से 25 नेता पार्षद वो एक साथ अजीत पवार की पार्टी छोड़ के शरद पवार के साथ चले गए थे। तो धीरे धीरे जो अजीत पवार की पार्टी में कभी नेता आए थे मायावती ज्वाइन करने के लिए शरद पवार पार्टी को छोड़ करके, अब वो धीरे धीरे वापस जा रहे हैं। और इसी कड़ी में एक कदम शरद पवार की पार्टी ने एनसीपी ने बढ़ाया है, जहां पर चुनाव चिन्ह को लेकर के भी अब जो है वो डिसीजन लेने पर जो है वो उतारू हैं, अब दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह की उनकी जद्दोजहद चल रही है। अब इन सब के बीच आप देखिए कि सुप्रिया सुले, आपको याद होगा जब बारामती में इलेक्शन चल रहे थे लोकसभा के, और साथ ही साथ जो महाराष्ट्र के अन्य इंटीरियर जहां पर एनसीपी शरद पवार की एनसीपी मजबूत है, हमने देखा था कि शरद पवार की पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है उतारी, उसको हमने देखा कि कई सारे जो निर्दलीय हैं उनके पास भी कुछ वैसे ही जो है चुनाव चिन्ह थे और वो उस पर चुनाव लड़ रहे थे। अब क्या हुआ था कि नया नया जो है चुनाव चिन्ह शरद पवार को मिला था और जो पुराना चुनाव चिन्ह था वो अजीत पवार के पास था। अब ऐसे में शरद पवार की पार्टी जो है वो नए चुनाव चिन्ह पर लड़ रही थी और नया चुनाव चिन्ह भी वैसा जिससे मिलता जुलता कई और चुनाव चिन्ह ऑलरेडी कई कैंडिडेट लेकर बैठे थे। तो ऐसे में शरद पवार की पार्टी जब एनसीपी ने एनालिसिस किया तो उन्हें यह समझ में आया कि ये जो चुनाव चिन्ह है इसकी वजह से, जो पार्टी का चिन्ह है इसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा और अब विधानसभा चुनाव में वो नुकसान दोबारा नहीं दोहराना चाहते। क्योंकि आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के बाद जब तमाम पार्टियां हारी थी या जीती थी उसके बाद सबकी बैठकें चल रही थी, एनालिसिस चल रहे थे और शरद पवार की पार्टी जो कि सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट के साथ, मतलब 10 में से 8 सीटें वो जीत करके लेके गए हैं, इसके बावजूद जो है एक सीट जहां से वो हारे थे, आपको बता दूं वहां 2 सीट जहां से वो हारे थे वहां पर जब एनालिसिस किया गया यही निकलकर सामने आया कि जो मिलते जुलते चुनाव चिन्ह थे इसकी वजह से जो वो 20-22 हजार वोटों का जो फर्क पड़ गया था वो सिर्फ इन्हीं चुनाव चिन्ह, जो पार्टी का चिन्ह है उसकी वजह से पड़ा था, और जिसको लेके चुनाव आयोग के साथ साथ अन्य जगहों पर भी शरद पवार की एनसीपी ने जो है ये शिकायत दर्ज कराई थी कि पहले जो अन्य मिलते जुलते चुनाव चिन्ह है उनको रोका जाए, उनको बंद किया जाए। और इस पर फैसला चुनाव आयोग ने लेते हुए अभी 1.5-2 महीने पहले की बात है कुछ चुनाव चिन्ह को जो है वो खारिज भी किया था, रोका भी था। अब बात आ गई है उसको खत्म करने के बाद, अब बात आ गई है शरद पवार के जो एनसीपी है अब उनकी पूरी जो कोशिश है वो ये है कि कैसे भी करके अब अजीत पवार की पार्टी जो है उनके पास जो घड़ी है चुनाव चिन्ह उस पर विधानसभा चुनाव में उन्हें लड़ने से रोका जाए और नया चुनाव चिन्ह जो है वो दोनों पार्टियों को मिले, शरद पवार को भी अजीत पवार को भी, और उस चुनाव चिन्ह पर जो है वो दोनों पार्टियां लड़े। और ऐसा होता है तो इससे इसमें फायदा शरद पवार का ही होगा क्योंकि शरद पवार पहले भी नए चुनाव चिन्ह पर लड़ चुके हैं लेकिन अजीत पवार अभी तक नहीं लड़े हैं। इसके बाद क्या उसका रिजल्ट होगा क्या नहीं होगा, कितना फायदा नुकसान होगा, वो अभी अजीत पवार जो है वो नहीं समझे इस बात को, लेकिन शरद पवार ऑलरेडी लड़ चुके हैं तो उन्हें इस बात का अंदाजा हो चुका है। तो अभी देखते हैं कि अभी मामला तो पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट, इस पर क्या फैसला होगा वो आने वाला समय बताएगा और जो भी रिपोर्ट्स आएगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर, तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।